हेलो गाइस, आज तो मैं वीडियो बनाने वो का आपको याद हो गया मेरी दूसरे वीडियो से पार्ट वन तक पार्ट टू था ना, तो वैसे ये ना मेरे डिप्लोडोकस से आज तो मैं इसकी फाइट अपने सारे डायनासोर और ना अपने दो दूसरे ट्रोनों से कराने वाला हूँ। एक है स्नेल और ना एक ना मेरा हल्कबस्टर थोड़ा सा टूट गया फिर भी फाइट करा होगा। मैं सबसे एंड में ना अपने टी-रेक्स से फाइट कराने वाला हूँ। मेरा एंडिंग मैंने सबसे एंड में है मैं मोसोसोरस, ट्वेस्टाकोसोरस, ट्वेस्टेरेटॉप्स और स्पाइनोसोरस। देखिए मेरे पास बस यही सब डायनासोर है, स्टेकोसोरस, ट्वेस्टेरेटॉप्स, मोसोसोरस, स्पाइनोसोरस और एलमेट टी रेक्स। ठीक है, तो मैं आज ना मैं सबके फाइट कराना हूँ। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस देखिए, सबसे पहले ना मेरा छोटा सा स्नेल है, पर गाइस देखिए ये देखो तो कैसे यहाँ पर ना स्नेल आया है। देखिए इसको कैसे मारा, देखिए खत्म हो गया स्नेल। वैसे अपने अब और ना मेरे हल्कबस्टरम जार भी सब देखते ही कैसे स्टार्ट हो गई होली। ऐसे कि ये डिप्लोडोकस ना सब कुछ ना डिस्ट्रॉय करे, सबको ना मारे, तो पापा अपने पर जार भी सब गए। अब ना मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा, मैं अब मैं बस इनकी फाइट करूँगा। पर गाइस देखिए इधर ना जार्विस आ गए, लेकिन जार्विस ने बहुत अच्छी सी टक्कर दी थी, लेकिन ये ज़्यादा देर तो रहा ही नहीं सिस्टम वाले कुछ और। क्योंकि गाइस अपना ये डायनासोर स्टार्ट हो गया। मैं सबसे पहले मेरा स्टेकोसोरस, वैसे देखिए ये मेरा स्टेकोसोरस है। ठीक है, अब इनकी फाइट करा। वैसे ये देखिए इसमें कैसे लात मारी है इसको, ये देखिए कैसे मार रहा है, कैसे मार रहा है। ये देखिए इसने इसको अपने कान पे मारे, जिससे इसको लग गई गड्ढे पर। देखिए इसने तो इसका मुंह ही डुबा दिया। देखिए इसने ना इसका मुंह डुबा के इसको मार दिए। वैसे आप अकेले मेरे ट्राइसेरटॉप से, अगर आपको नहीं पता ना कौन से डायनासोर होते हैं ना, तो पहले मैं ना आपको उसकी फोटो भेज दूंगा। ठीक है, देखिए इस तरह का होता है ट्राइसेरटॉप्स। ये देखिए इस तरह का होते पूरे इसके अगर पूरे तीन सिंग होते हैं, पीछे जो दो होते हैं ना वो बड़े होते हैं और ना उसका अपन सील जैसा कुछ होता है और नहीं इसका अगर छोटा सा कांटा होता है। वैसे इनकी फाइट कराता हूँ। तो गाइस देखिए तो ऐसे तो अपने तो सेकंड में डिप्टोडोकस को हरा दिया था। गाइस आप तो पर आप देख रहे हैं कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो बस एक सेकंड में डिप्लोडोकस को मार दिया। तो पर ना तीनों जार्विस और मेरा स्टेकोसोरस और मेरा स्नेल ये तीनों आउट हो गए और मेरा ट्राइसेरटॉप्स जीत गए, इसलिए यहाँ पर आएगा। तो अपना अगला मेरा मोसोसोरस होता है। अगर किसी को नहीं पता ना कि मोसोसोरस पानी में रहते बस जमीन पर, मैं लिख सकते हैं बता दूंगे पानी में रहते बस जमीन पर सकते। मैंने चाइना से ऑर्डर किया था, बहुत अच्छा था इसका मूवी और बड़े होते तो बहुत खतरनाक कांटे भी। देखिए बिल्कुल रियल मोसोसोरस की तरह ना, आपने अगर इसकी मूवी देखी तो आपको पता होगा ये ना पानी में रहता है। वैसे देखिए बिल्कुल मूवी वाला लग। चलिए फाइन, लेकिन देखिए इस बारे में बिल्कुल कोई यहाँ पर रखोगा और इशारे नीचे पानी होगा। ठीक है, क्योंकि तो पानी में ही रहते हैं। चलिए फाइन कर गाइस, देखिए ये ना यहाँ पर पानी पी रहा है अचानक से मोसोसोरस आ जाए। गाइस देखिए जब तक पानी में गिर गए, लेकिन तब मुश्किल से ऊपर आ जाए। यार ये मोसोसोरस को पकड़ लेकिन पकड़ ही पा रहा है। देखिए इसने लात मार के दोबारा पानी में फेंक दिया। ये देखिए ये ऐसा गोदन पकड़ के गाइस फिर तो पानी में ले गए इसको, इसलिए तो उसको अंदर ले जा ही जा रहे हो गाइस। एनमेस ने इसको बहुत गहराई पे ले गई जिसके से ऊपर नहीं जा पाता और ये डूब के ही मर जाते हैं। कहीं जब इतना ही मेरा चाइना वाला मोसोसोरस भी जीत गया। कहीं सब अगले मेरे स्पाइनोसोरस है, आते जमीन और पानी जो दोनों जगहों पर रहता है। अब ये देखो इसका कितना बड़ा मुंह,
फाइट कराने वाला हूँ, ठीक है? तो बाबा नहीं नहीं गाइस ये डिप्टोडोकस आप फिर रहे ना जुरासिक पार्क में, ये जैसे स्पाइनोसॉरस, एक बंदे ने गलती कर दी, उसने इसका केज खोल दिया जिसके सभी 12 के डिप्टोडोकस आप फाइट कर गए, ठीक है? इसने काटे इसकी गर्दन पे, ज्यादा कुछ नहीं हुआ लाइक, पर ये इसने को पूंछ वाला वो और कर दिया, ये भी जा रहे इसकी तरह, इसने भी इसको मारे थे किसी थोड़े से पीछे बैठ गए, मेरे कभी कुछ दो सारे पूंछ मारे, अच्छा कभी पूंछ मारी जा रहे मारी जा रहे मारी जा रहे मारी जा रहे। अरे गाइस देखिए अपना ये स्पाइनोसॉरस ना, इसे देखिए अब अपने देखिए इसकी बच्ची चीज होती है इससे अभी मार, ये देखिए मार रहे इसको नीचे गिर के, कहीं जब आपको पता है जब प्रदो के तोड़ नहीं सकता अगर नीचे गिर के तो स्पाइनोसॉरस तो आसानी से मार देगा, देखिए इसको मार रहे हैं, अब इसको खा जाएगा तो ये तो स्पाइनोसॉरस भी जीत गए, लेकिन तीन बंदे जीत गए और तीन हार गए है, तो गाइस अब अपना अब तक किंग ऑफ डायनासोर लाने वाला टी रेक्स, ये देखिए गाइस ये टी रेक्स ना किंग ऑफ डायनासोर होते क्या कहते, अगर आपने जुरासिक वर्ल्ड की कोर मूवी देखी तो आपको पता होगा कि ना एक और डायनासोर है जो इससे भी स्ट्रॉन्ग, उसके नाम ना रेक्स है, रेक्स इतना स्ट्रॉन्ग है ना बस टी रेक्स को मारने वाला था, वैसे कि दूसरे पार्ट में ना थोड़ी सी स्टोरी पता होगा कि ना टी रेक्स को मारने वाला था तो बस की जान कैसे बच गई थी, ठीक है? मेरे इसके नेक्स्ट पार्ट में ना बिल्कुल पता होगा, ये देख इसको एक नहीं देखिए ये टी रेक्स के केज में आ गए ना इससे एक बदला लेने, ऐसे ना इसका पार्ट टू मैंने इसका पार्ट वन में जल्दी बनाऊंगा, उसकी पूरी स्टोरी बनाऊंगा कि इसके पास कौन सा बदला लेने आए, ये देखिए इसने इसको मारा है, इसको फिर से पूछ वो हो गए डिप्टोडोकस दिल टी रेक्स, अभी जा रहा है उधर भाग, इधर ये डिप्टोडोकस उड़ कर आए, ये मारा देखो बस ये भी इसको खा लिया, तो इधर ना मेरे ना और गाइस देखिए जो ना मैं चॉइस से तो आप समोसा स्पाइसोस डीएस ये सब ना मैं सबसे स्ट्रांग डायनासोर से, क्योंकि अब अभी तक ना इन्होंने डिप्टोडोकस को हरा दिए, और इधर ना मेरा स्टेगोसोरस और मेरे छोटा सा स्नेल और मेरे जार्विस वाला रोबोट, ये तीन ही बस मेरे ऐसे करेक्टर है जो इस डिप्लोडोकस से ना हार गए, तो वाले को वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।